मुंबई का ये शख्स किताबी कीड़ा है और सेकंड हैंड किताबें 10 रुपए में देकर पूरा करता है शौक। इसके इस शौक के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा नहीं इंसानियत महत्व रखती है और मुंबई के राकेश भी उन्हीं चंद लोगों में से हैं। राकेश मुंबई के अंधेरी में सेकंड हैंड किताबों की दुकान चलाते हैं जहां वो महज 10 रुपए में किताबें किराए पर देते हैं। राकेश चाहे तो किराए पर किताबें देकर अच्छी खासी मुनाफे वाली कमाई कर सकते हैं, पर उन्हें गाड़ी बंगला नहीं बल्कि किताबों का शौक है। और आपको बता दें कि इसीलिए वो अपना शौक पूरा कर खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे। इसके साथ ही 10 रुपए में बुक्स किराए पर देकर वो उनके जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को किताबें देते वक्त उनकी एक शर्त होती है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें बेहतर कंडीशन में लौटाएं। राकेश का कहना है कि उनके पास रोटी, कपड़ा, छत और किताबें हैं और जिसमें वो बेहद खुश हैं। राकेश की कहानी आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उनके बारे में जानने के बाद कई लोगों ने उन्हें आर्थिक मदद देने की भी कोशिश की, पर उन्होंने किसी की भी आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया। जिन लोगों के अंदर किताबी कीड़ा है और मुंबई के अंधेरी में रहते हैं तो राकेश जी की दुकान पर जाकर अपनी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। बाकी राकेश जी की तारीफ में हमारे पास शब्द कम है। तो राकेश जी जैसे महान व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।